सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों देखो ऑनर लेके आ गए अपने पूरे ऑनर के साथ में ये एक नया ब्रांड न्यू स्मार्टफोन जो दोस्तों ये हमारे पास में फिलहाल ऑनर 50 Pro 5G। आज आप इस वीडियो दोस्तों लाइक और शेयर करते हुए आगे देखते रहिए और हम बात करते हैं कि आखिर ऑनर ने क्या कुछ पैक किया है इसी नए ऑल न्यू स्मार्टफोन में और आखिर इसमें क्या कुछ स्पेशल मसाला मिलता है हमको 5G का। मजा बहुत शानदार सा आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो सर देखो ये कुछ ऐसा है हमारे पास में इसी फोन का बॉक्स, जहां पे सामने की जो पूरी ब्रांडिंग है ना ये आपको ऐसे सतरंगी से कलर में मिलेगी और यहाँ पे ये हिंट दे रहा है कि जो फोन का कलर है ना वो भी मतलब कुछ कुछ ऐसे यूनिक सा ही होने वाला है। हमारे पास दोस्तों यहाँ पे क्या ये है फिलहाल 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ में। हम दोस्तों यहाँ पे हटाते हैं सीधा बॉक्स की लिड को साइड में। नीचे दोस्तों हमारे पास में रखा है सबसे पहले ये फोन और आई मीन भैया इसी प्रोटेक्शन के अंदर से झलक है जो हमको मिल रही है दोस्तों इस फोन की ना वो बहुत ही ऐसे रंग बिरंगी से मिल रही है। हम दोस्तों देखते हैं नीचे तो हमारे पास में फिर ये एक सेक्शन है जहाँ पे है एक सिम ट्रे टूल और फिर है ये एक केस फोन की प्रोटेक्शन के लिए। नीचे दोस्तों हमारे पास में है ये एक USB A टू USB C केबल और फिर ये जो चार्जर है ये दोस्तों 100 वॉट्स वाला चार्जर और भैया फोन की बैटरी को बड़ी ही तेजी से लगता है कि दोस्तों रिचार्ज कर देगा। हम क्या बात करेंगे वीडियो में आगे बढ़ते हुए। अब यहां पर दोस्तों ये जो फोन है जैसे दोस्तों हटाते हैं इस प्रोटेक्शन को तो आई मीन भाई इस रंग को मैं क्या नाम दूं यहाँ पर दोस्तों। ये जो पूरा फोन ऐसा चमक रहा है ना सतरंगी बना हुआ यार ये बहुत ज़्यादा स्पेशल लग रहा है। हमारे पास दोस्तों खैर यहाँ पे इस फोन को बूट करते हैं, बात करते हैं आगे और बहुत सारी लंबी लंबी बातें इस फोन के साथ में करने के लिए। जहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू के साथ में तो फोन में यहाँ पर दोस्तों राइट साइड में हमारे पास में है पावर लॉक ऑन बटन के ठीक ऊपर लगा हुआ ये वॉल्यूम रॉकर, ऊपर है दोस्तों यहाँ पे सेकेंडरी माइक्रोफोन, लेफ्ट साइड एकदम बिल्कुल क्लीन है और फोन में नीचे है ये एक ड्यूअल सिम ट्रे, प्रीमियम माइक्रोफोन, USB-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। अगेन दोस्तों यहाँ पे जो पीछे की कहानी है ना ये बस कहानी ही है बिकॉज यहाँ पे आप भाई कैसे जो है वो डिफाइन करोगे अगर फोन खो जाए तो रिपोर्ट में क्या लिखोगे मेरा फोन कैसे रंग का था, सफेद था, काला था, भूरा था, लाल था, मतलब क्या बोलने वाले हो यहाँ पे भैया, कंफ्यूजन हो जाएगा पूरा का पूरा। एनीवेज यहाँ पे दोस्तों काफी एकदम ऐसे यूनिक डिजाइन में हमारे पास में है ये क्वाड रियर कैमरा सेटअप जो कि इतना यूनिक नहीं है। हाँ डिजाइन बहुत यूनिक है बिकॉज यहाँ पे दोस्तों ऐसे दो दो छल्ले मिल जाते हैं, हमको मतलब लगता है कि भैया बहुत ही कुछ सीरियस वाली फोटोग्राफी होने वाली है। लेकिन क्या दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और फिर वही है 2+2 आप जानते ही हैं 1.2 का 4 लगा रखा है यहाँ पे। मैक्रो और डेप्थ दोस्तों यहाँ पे कैमरा मिल जाते हैं। साथ में हमारे पास में दोस्तों ये एक LED फ्लैश है, नीचे है ऑनर की ब्रांडिंग और फोन में दोस्तों कह रही जो सामने की तरफ वाला मामला है ना ये बड़ा ही सही पैक किया है। हमारे पास में है एक 6.72 इंच का दोस्तों ये डिस्प्ले और ये एक OLED स्क्रीन है। यहाँ पे दोस्तों मिल जाती है 120Hz की रिफ्रेश रेट जो कि डायनेमिक भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। दोस्तों रेजोल्यूशन है वो है 1236x2676 का जो कि फुल एचडी प्लस से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा और हमारे पास दोस्तों यहां पे ये जो पूरा ऐसा कर्व्ड वाला स्क्रीन मिल जाता है ना ये इस फोन को बहुत प्रीमियम बना देता है। कलर्स वगैरह स्क्रीन क्वालिटी जो है वो बहुत ही शानदार सी है। हमारे पास दोस्तों यहां पे ये ऊपर ऐसा ड्यूअल सेल्फी कैमरा है जहां पे दोस्तों 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है हमको और साथ में दोस्तों यहां पे 12 मेगापिक्सल का एक और कैमरा है। आई मीन आप दोस्तों नॉर्मल और अल्ट्रा वाइड दोनों तरह का पूरा मजा उठा सकते हैं। तो 32 की नॉर्मल सेल्फी, 12 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल वाली सेल्फी और यहां पे दोस्तों जो स्क्रीन है अगेन ये जो 6.72 इंच का पूरा कैनवस हमको मिलता है ना ये इस फोन को बहुत सही बनाने वाला है। जहां पे दोस्तों हमारे पास में अगर आपसे बात करता हूं मैं सॉफ्टवेयर की तो ये दोस्तों चलता है फिलहाल के लिए जो पूरा है दोस्तों मैजिक UI उसके ऊपर, लेकिन यहां पे अंदर ताकत है एंड्रॉइड 11 की। गूगल एप्स वगैरह आपको ऑनर के फोन में मिलेंगी तो अब खैर वो कोई टेंशन नहीं है। जहां पे दोस्तों इसमें लगा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G 5G प्रोसेसर, यहां पे दोस्तों ये 6 नैनोमीटर पे बना है और अगेन जो 5G का पूरा मजा मिलने वाला है वो भी सही और जो चिपसेट है ये बहुत सही दोस्तों पावरफुल है 778G 5G। आजकल तो चिपसेट के नाम के आगे भी जी लगाना पड़ता है ऑल थैंक्स टू क्वालकॉम। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा इसके अंदर है 8 या फिर 12 GB की रैम, जो स्टोरेज दोस्तों है वो है 256 GB की और अगेन जो बैटरी है वो है 4000 mAh की। लेकिन सिर्फ 25 मिनट में दोस्तों ये 100 वॉट के चार्जर के साथ अगर आप चार्ज करें तो भैया चार्ज हो जाएगी। तो यार ये एक अलग ही किस्म का नशा मिल रहा है ऐसे इतनी तेजी से अगर आप बैटरी रिचार्ज कर पाएं। बाकी दोस्तों अगर यहाँ पर अगर आप बात करते हैं UI वगैरह की तो टिपिकल आपको वही वावे ऑन वाले जो है वो आने वाली है। अरे 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 UI नाम बदल दोगे तो क्या है लोगों से पहचान लेंगे ना, सफाई करना बनता है यार, मतलब नाम लिखा है कुछ और नीचे
कोई बात नहीं, लोगों से बच के कहाँ जाओगे भैया। खैर उसके जो कैमरा ऐप है ये कुछ ऐसी आपको मिलती है जहाँ पे अगेन ऑप्शंस भरपूर आपको मिल रहा है यार, मतलब वावे और ऑनर के फोन्स में दोस्तों, ये तो आप खैर जानते ही हैं। फिलहाल अगर दोस्तों ये हैं कुछ फोटो सैम्पल्स जो मैंने इसी फोन के फ्रंट और रियर कैमरा को यूज़ करते हुए क्लिक किए हैं, और जो फोटो क्वालिटी है आई मीन डेफिनेटली दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छे कैमरा का आपको एहसास मिलने वाला है अगर आप इस फोन को यूज़ करते हैं तो। मतलब कैमरा को दिक्कत नहीं है, बट हाँ वो 2-2 मेगापिक्सल वाला आप क्या ही करें यार, एटलीस्ट फ्लैगशिप्स में चीज़ नहीं होनी चाहिए बट स्टिल हो जाती है। यहाँ दोस्तों खैर हमारे पास में जो बायोमेट्रिक वाला पूरा सीन है वो आता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में, जो कि बहुत तेजी से काम करता है। और जो फेस अनलॉक वाला सिस्टम है वो तो मतलब भैया सीधा चेहरा दिखाओ और बस, झलक दिखी नहीं कि फोन दोस्तों सीधा अनलॉक हो जाता है बिना किसी दिक्कत के। और यहाँ दोस्तों दिक्कत जो है ना वो आपको कॉन्टेंट कंजम्पशन में बिल्कुल भी होने वाली है, बिकॉज ये जो फोन है इसका जो स्क्रीन है वो दोस्तों इतना ज्यादा इमर्सिव है, आई मीन ओलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्स, और यहाँ दोस्तों पूरा कर्व्ड स्क्रीन का मजा, तो यहाँ पे आपको कॉन्टेंट कंजम्पशन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और वैसे थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा ऑडियो को भी खैर सुन लेते हैं। देखो अच्छा तो खैर लगा है, मिस्टर बीन तो खैर सबको पसंद है, साथ में जब सेल्फी खींच ले तो फिर तो पूजा भी खुश हो ही जाती होगी। अब खैर दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में ये है कुछ कहानी ऑनर 50 Pro 5G स्मार्टफोन की। काफ़ी इंटरेस्टिंग दोस्तों फोन बन जाता है, स्पेशली इस काफ़ी इंटरेस्टिंग से कलर के साथ में, जहाँ पे अगेन कन्फ्यूज हो जाओगे भैया ऑनर ने इतने कलर डाले हैं कि फोन को लाल बोलेंगे बैंगनी, बट एनीवेज यहाँ पर दोस्तों ये फोन लगता है कि शायद इंडिया में भी आ सकता है। अब खैर हम बात जब कर रहे हैं कि गूगल सपोर्ट वगैरह मिल रहा है, गूगल ऐप्स में कोई दिक्कत नहीं है तो कोई टेंशन दोस्तों नहीं होने वाली है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये फोन बन जाता है। बस अब डिपेंड करता है कि किस कीमत पर आता है, लेकिन मैं खैर कुछ सरप्राइज प्लान करता हूँ वैसे आपके लिए फ्यूचर में अगर पॉसिबल होता है। फिलहाल के लिए खैर अपना पूरा प्यार देते हुए वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए सब्सक्राइब कर दो, मुझे बताओ दोस्तों नीचे कमेंट करते हुए कि आखिर आपका क्या है कहना इस फोन के बारे में, क्या आप एक्साइटेड हैं कि ऐसे फोन्स आपको मिल सकते हैं अभी ऑनर वावे वाले और नो ऑप्शंस। वावे तो खैर पंगा चल रहा है अभी गूगल वाले, लेकिन ऑनर एटलीस्ट कि आपको नो इस टाइप के फोन्स मिले, गूगल ऐप सपोर्ट के साथ में, तो कोई टेंशन ना हो, फ्लैगशिप ग्रेड नो स्पेक्स हो, कीमत बस अच्छी होनी चाहिए। देखते हैं इंडिया में जब कभी आता है फ्यूचर में तो किस कीमत पे आता है। उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।